हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे इस एडेनियम डेजर्ट रोज के केयर के बारे में। ये तो फिलहाल विंटर चल रहा है, लेकिन ये तो गर्मी का पौधा है। तो लेकिन अब हमारे यहाँ क्या है कि ये सीजन में भी फ्लावरिंग करता है। और देखिए इसकी केयर टिप्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मतलब बहुत ही ड्राउट रेजिस्टेंट है। मतलब इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और आप इसको एक शैलो पॉट में अगर लगाते हैं, जैसे कि ये पॉट में लगा हुआ है, तो इसका जो ये कॉडेक्स है ये मतलब ज़्यादा मोटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें फूड स्टोर करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा आप देख रहे हैं इसकी, देखिए पास से मैं दिखाता हूँ इसका, देखिए रूट किस तरीके से पूरा एकदम गोल पूरा हो गया है, ये राउंड। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ऐसे शैलो पॉट में लगाएंगे और ये मतलब इस टाइप का हो जाएगा। और इसमें फ्लावरिंग के लिए आप कुछ दाने DAP डाल सकते हैं, और पोटाश आती है वो डाल सकते हैं, और ज़्यादा केयर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप पानी का ध्यान दीजिए, थोड़ा पानी कम डालिए और अच्छा चलता है ये। और हमारे यहाँ तो गर्मियों में इसमें कम फ्लावरिंग होती है, लेकिन ये विंटर में इसके फ्लावर्स बहुत आते हैं। देखिए हमारे पास कुछ और भी प्लांट हैं, इसके दिखाता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसका दूसरा प्लांट है, इसको मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है। ये देखिए इसमें कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, और अभी भी देखिए नई बड्स आ रही हैं लगातार, ये देखिए। और जिससे मैंने बताया कि ये इसको शैलो पॉट में ही लगाते हैं, तो इसको मैंने शैलो पॉट में ही, ये प्लास्टिक के जो ये टप है ना, छोटे छोटे, बहुत काम के होते हैं ये। मतलब ये देखिए प्लास्टिक इसकी बहुत अच्छी है, और ये मतलब हैंगिंग बास्केट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, लेकिन इसमें शैलो पॉट की वजह से हमने इसमें लगाया है। और इसका एक और प्लांट है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका एक और ये प्लांट है, इसमें भी इसका भी रूट बॉल, ये देखिए कितना यूनिक है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब पानी ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इसमें देखिए पानी, मतलब कल ही मैंने डाला है और आज पानी है मात्रा ठीक ठाक मात्रा में है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉडेक्स होता है, देखिए सड़ गया था, मतलब पानी बारिश के सीज़न में लास्ट ईयर हमारा ज़्यादा हो गया था, तो इसमें सड़न आ गई थी। तो बस उसको, उस जगह को उखाड़िए इस पेड़ को, और उस जगह को कट करके और उस पर फंजीसाइड वगैरह लगा दीजिए, तो वो आपका फिर कुछ दिन मतलब धूप में सुखा दीजिए उसको, फिर उसका फिर से आप इसमें ट्रांसप्लांट कर दीजिए, और ये बढ़िया से चलेगा फिर उसके बाद। और ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं है, बस पानी का ही ध्यान देना जैसा मैंने आपको पहले बताया, और कुछ नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please subscribe my channel and share it more than more to your friends. Thank you.